हाउ टू गेट गूगल प्ले रिडीम कोड 100% फ्री गूगल प्ले रिडीम कोड आप कैसे ले सकते हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो शुरू से अंत तक तो ध्यान से देखोगे तो आपको गूगल प्ले रिडीम कोड मिल जाएगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे रिवार्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही रिवार्ड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा रिडीम आर प्रोमो कोड। यहाँ पे रिडीम प्रोमो कोड जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद इस कोड को करना होगा वहाँ पे पेस्ट, एंड पेस्ट करने पे जहाँ ही आप इसे रिडीम करेंगे तो यह रिडीम हो जाएगा। एंड रिडीम होने के बाद बोलेगा कि आपका 100 रुपीज यहाँ पे ऐड होने वाला है, लेकिन मैं इसे बैक बटन पे यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ क्योंकि मुझसे इसे ऐड नहीं करना है। एंड यह रिडीम कोड आपको किस प्रकार से मिलेगा, कैसे ले सकते हो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तब जाके आपको इसके बारे में पता चलेगा कि गूगल प्ले रिडीम कोड को फ्री में किस प्रकार से लेते हैं, एंड इस पैसे को आप किस प्रकार अपने बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर कर पाओगे इसके बारे में भी जानोगे। मेरे अकाउंट में 1135 यानी 1135 रुपए है। अगर आपको इसी प्रकार मतलब इस बैलेंस को मैं अगर चाहूं तो मैं अपने बैंक में विड्रॉल कर सकता हूं। इस बात को ध्यान रखने कि इसका 40% दूसरी रिकरिंग लेती है एंड 60% आपके बैंक अकाउंट में आता है, यानी अगर 100 रुपये आप लगाते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा 60 रुपीज कोई और लेगा एंड 40 रुपीज मतलब 60 रुपीज आपके पास आएगा एंड 40 रुपीज जो जिसका एप्लीकेशन के आपने बाय किया उसका पास चला जाता है। तो इस प्रकार से आप गूगल प्ले रिडीम कोड ले सकते हो। तो मैं एक बार और दिखा दूं कि क्या वह कोड यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 डॉट पे क्लिक किया एंड रिडीम वाला सेक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ही डायरेक्ट इस कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रिडीम वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद भी आपके सामने दिख रहा है कि यह रिडीम कोड रिडीम हो रहा है। तो अब इस रिडीम कोड को किस प्रकार से आप रिडीम कर सकते हैं वीडियोस को देखो ध्यान से। दोस्तों इसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। उसके बाद जाके डायरेक्ट ही यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिख लेना होगा, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GOOGLE गूगल प्ले PLAY प्ले गिफ्ट कार्ड GIFT गिफ्ट CARD कार्ड .in। इसके बाद लिखने के बाद ही आप डायरेक्ट ही यहाँ पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in आप लिखने के साथ ही यह गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in सबसे पहले ऊपर वेबसाइट के सामने यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे play.google.com जिस किसी को अगर गूगल प्ले रिडीम कोड खरीदना होगा खुद के लिए वह प्ले स्टोर पे डायरेक्ट ही play.google.com पे जाके अपने लिए गूगल प्ले रिडीम कोड खरीद सकता है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in सर्च करते हैं तो सबसे पहले पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in आती है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही जब गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपके सामने होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस एंड ये सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। आज 21 जनवरी है, 21 जनवरी का आज का कोड आया है। इस कोड को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आप इसे एक्टिव करेंगे। जो आप बोल रहे थे कि यह कोड कहाँ है, तो इस कोड को हम लोग देखो आपके सामने यहाँ पे ये कोड दिख रहा है। सबसे पहले इस कोड को आपको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद एक्टिवेट नाउ वाले बटन पे आपको प्रेस करना होगा। एक्टिवेट नाउ वाले बटन पे प्रेस करने के बाद ही आपके सामने नीचे चलते चले जाना होगा। और बहुत सारे आपको रिडीम कोड चाहिए तो डिवाइस कंट्री एंड जनरेट नाउ के बटन पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया रिडीम कोड है, रिडीम कोड करना होगा। उसके बाद जाके अपनी ईमेल आईडी लिख लीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी myskser@gmail.com है। उसके बाद जाके आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही अपना नाम लिख लेना होगा। मेरा नाम है यश, आप देख रहे हैं myskser यूट्यूब चैनल। तो जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस वीडियोस में है 100 रुपीज़ के गूगल प्ले रिडीम कोड का गिव वे एंड यह है 100 रुपीज़ के रिडीम कोड का। यानी अगर आप इस वीडियोस को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इसमें आपको पता चलेगा कि गूगल प्ले रिडीम कोड कैसे ले सकते हो। देखो इस वीडियोस में देखो यहाँ पे ध्यान से कि 100 रुपीज़ यह वेबसाइट ऐड अभी भी हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे ही गूगल प्ले रिडीम कोड चाहिए तो बहुत सारे यहाँ पे गूगल प्ले रिडीम कोड आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। एंड यहाँ पे न्यू हमेशा ही करके पोस्ट आते रहते हैं। दोस्तों इस पे अगर आपको अपनी भाषा को अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करके आप जो जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में यहाँ पे लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आपको गूगल प्ले रिडीम कोड खरीदना होता है तो बाय कोड यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे डायरेक्ट ही कोड को खरीद सकते हैं। उसके बाद जाके डायरेक्ट ही आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे play.google.com पे एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट ही परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन से अमेजोन से खरीद सकते हैं, नहीं तो आप उसके वजह के पेटीएम से भी खरीद सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके वजह हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे नीचे चलते चले जाते हैं एंड इसके बाद जाके आपको दिखाई दे कि और सारा किस प्रकार से कोड एक्टिव हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो गिफ्ट कार्ड जनरेटर है जो यहाँ पे आपके सामने कोड दिख रहा है, यहाँ पे जो डिवाइस यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है आपकी कौन सी डिवाइस है, कंट्री को आपको चूज करना होता है कि आपकी कौन सी कंट्री है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे डिवाइस एंड कंट्री को चूज करने के बाद आपके
सामने हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए जनरेट नाउ के बटन पे हमने यहाँ पे प्रेस किया। एंड प्रेस करने के बाद यहाँ पे यह कोड यहाँ पे परसेंटेज के मुताबिक जब यह 100% कंप्लीट होता है तो यहाँ पे एक रिडीम कोड आता है। अब उसके बाद उसको रिडीम कोड को बहुत सारे लोग तुरंत ले जाके यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा भी बहुत सारे कोड यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत कम ही कोड जो है जो एक्टिव हो रहे हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उसको भी मैंने ट्राई किया। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये है तो यहाँ पे जो बहुत सारे कम ही कोड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, मैंने लगभग 500 से 600 रिडीम करके चेक किया तो, लेकिन जिसमें से बस एक रिडीम कोड मेरा यहाँ पे रिडीम हुआ था जो मैंने आपको पहली बार में बताया था। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे हमेशा ही इसको ट्राई करता रहता हूँ जनरेटर को, जहाँ पे अलग अलग करके जनरेट करने के लिए मिलते रहते हैं। एंड उसके बाद देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या गूगल प्ले रिडीम कोड गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड कोड में बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आते रहते हैं क्या, तो हाँ भाई ऐसे भी बात है। तो पिछले दिन के जो भी पोस्ट आते रहते हैं उन पोस्टों पर भी हम लोग क्लिक करते हैं, एंड क्लिक करके उनके यहाँ पे जो भी नीचे रिडीम कोड दिए रहते हैं उन रिडीम कोड को भी हम लोग यहाँ पे चेक करते रहते हैं। जैसे ये कोड है, इस कोड को भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट नाउ वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। एक्टिवेट नाउ वाले बटन पे हम लोग क्लिक करने के बाद ही आपके सामने यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आता चलते चले जाता है, तो यहाँ पे आपको नीचे चलते चले जाना है। एंड नीचे आने के बाद ही आपके सामने यहाँ पे पेस्ट हियर गूगल प्ले रिडीम कोड का ऑप्शन आता है। उसके बाद जाके आपको यहाँ पे फिर से अपना मोबाइल नंबर यानी सॉरी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना होता है। मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेता हूँ mysksir@gmail.com। उसके बाद जाके बहुत लोग पूछ रहे थे क्या इसको ऐसे सब्सक्राइब करना है, यस हाँ, तो मैंने इसको ऐसे करके मैंने सब्सक्राइब कर लिया है जिसके कारण यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ mysksir@gmail.com। उसके बाद I am not robot। एंड उसके बाद जाके डायरेक्ट ही यहाँ पे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट करने पर mysksir@gmail.com है जो पहले से ही सब्सक्राइब है, तो इसके कारण मुझे अब सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा। उसके बाद जाके आपके सामने यहाँ पे नेम आएगा, तो आपको अपना नाम लिख लेना है। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं mysksir YouTube चैनल। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सेट वाले बटन पे आप डायरेक्ट ही यहाँ पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। इसके बाद देखिए यह रिडीम कोड को आपको यहाँ पे चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा, रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करके रिडीम करके चेक करना होगा क्या यह रिडीम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बोला है यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड, यानी इसका मतलब यह कोड पहले से ही यूज हो चुका है। अगर आपको इस कोड को यूज करना होगा तो आपको इस बात को ध्यान रखे रहना होगा कि यहाँ पे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in की जो वेबसाइट है यहाँ पे जो भी नए जो भी पोस्ट आते रहते हैं मैं इस पोस्ट के अंदर भी यहाँ पे चेक करता रहता हूँ। जैसे इस पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर भी मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ क्या यह कोड अपडेट हुआ है या नहीं। अगर कोड जो भी अपडेट हुए रहते हैं उन कोड को भी मैं उसको कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्ट ही सिंपल प्ले स्टोर में जाता हूँ। प्ले स्टोर जैसे ये वाला कोड है इसको भी मैं इसी प्रकार से एक्टिव कर लेता हूँ एंड एक्टिव करने के बाद ही डायरेक्ट ही मैं इसे सबसे पहले ही मैं इसे एक्टिव कर लेता हूँ। एंड एक्टिव करने के बाद ही हम लोग को डायरेक्ट ही यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या करने के लिए, आपके सामने किधर गया, ये रहा इंडिया का कोड। इस कोड को भी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद ही हम लोग को डायरेक्ट ही इसको कॉपी करने के बाद फिर से इसको भी एक्टिवेट कर लेना होगा। तो मैं ये सब कुछ एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट कर लेने के बाद उसके बाद देखिए आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। या रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद इसको पेस्ट करना है, रिडीम करके चेक करना है क्या यह रिडीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोला यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड। इसी प्रकार से मैं हमेशा ही हफ्ते में एक बार दो बार तो हमेशा ही इस तरह करके हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। एंड इसी प्रकार से आप रिडीम कोड ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रिडीम कोड नहीं मिल रहा है यानी गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड .in पे तो यहाँ पे बाई कोड का यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। बाई कोड पे क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे जाके आपके पास जितना रुपए हो उतना रुपए का आप रिडीम कोड खरीद सकते हो यानी परचेज कर सकते हो। इसी प्रकार से गूगल प्ले रिडीम कोड आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगर बहुत सारे लोग को फ्री में गूगल प्ले रिडीम कोड की भी बहुत ज्यादा की आवश्यकता होती है तो वो किस प्रकार से अर्न करते हैं उसके बारे में आपको देख लेना होगा। फ्री गूगल प्ले रिडीम कोड .com पर भी यहाँ पे अलग अलग करके कोड आते रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग गेम के भी यानी अलग अलग कोड आते रहते हैं। जहाँ कार्ड .in में ही यह वेबसाइट थी जिसको मैंने यहाँ पे चेक किया था तो मेरे को यहाँ पे मिला था। इसको भी हम लोग उसी प्रकार से जनरेट करते हैं एंड जनरेट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही नीचे चलते चले जाते हैं। एंड इसको भी उसी प्रकार से एक्टिवेट किया जाता है जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वाले को एक्टिवेट किया था। कोड लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने यहाँ पे ईमेल आईडी को लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे
सब्सक्राइब कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पहले से ही कर लिया हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करके यहाँ पे सेंड वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही इसको सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ही हम लोग इसको करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही इसे रिडीम वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। रिडीम वाले सेक्शन पे बोला है कि यू हैव ऑलरेडी रिडीम दैट कोड, यानी यहाँ पर भी हम हमेशा ही रिडीम कोड को चेक करते रहते हैं। अब बारी आती है पिछले दिन के गिवअवे विनर की, कि पिछले दिन का आखिर गिवअवे विनर कौन है। तो देखो इस वीडियो को ध्यान से, आपको पता चलेगा कि पिछले दिन के गिवअवे विनर आखिर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे गिवअवे विनर, यहाँ पे एक मंथ पहले इन्होंने कमेंट किया जिनका नाम है करण, एंड यहाँ पे हाय यस भाई, यानी इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है जिसके कारण इनको मैं यहाँ पे गिवअवे विनर बना रहा हूँ। एंड ऐसा आपको भी कमेंट करना है जिससे मेरे पर्सनली दिल को टच करे, अगर ऐसी अगर आपकी कमेंट मिले तो मैं उसको गिवअवे विनर जरूर सेलेक्ट करता हूँ। जरूरी नहीं है ये राय स्टार है जो इतना कमेंट कर दिए हैं भाई, इतना कमेंट करके आप मतलब राय स्टार आप करना क्या चाहते हो यार, 123 कमेंट कर दियो तो क्या मैं आपको गिवअवे विनर बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इतने इतने लोग आप कमेंट ना करो, एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस प्रत्येक वीडियोस में आपको दो से अधिक कमेंट नहीं करने हैं, यानी दो से अधिक कमेंट करोगे तो भाई आपको गिवअवे विनर नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस दो लोग को बना रहा हूँ जिसका नाम है राय स्टार, जिनकी FF ID जिसको डिनोट करनी है वो नोट कर सकता है। उनकी UID है 17148743 and 59, ये यहाँ पे इनको हम करते हैं नो भी मी, उसके बाद देखिए यू आर विनर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जो फोर वीक पहले कमेंट किए थे, एंड हाई यस भाई है, एंड ये भी करण यहाँ पे गिवअवे विनर बन जाता है, ठीक है। यू आर विनर, तो जैसा दोस्तों आपको पता ही है कि मैं जिस भी एप्लीकेशन का या जिस भी किसी भी चीज़ का प्रमोशन करता हूँ तो उसमें दो लोगों को गिवअवे विनर बनाता हूँ। तो इस वीडियोस में आपको पता है कि इस वीडियोस में मैंने एक एप्लीकेशन का रिव्यू किया था जिसका नाम है, एप्लीकेशन में मैंने रिव्यू किया था लकी डे का, जिसके कारण यहाँ पे ये गिवअवे विनर यहाँ पे सेलेक्ट किए गए दो लोगों को। तो इस बात को ध्यान रखे रहना कि जिस एप्लीकेशन में रिव्यू करता हूँ उसमें दो लोगों को कंपलसरी गिवअवे विनर बनता है। तो इसके बाद यहाँ पे फन रमी है, फन रमी में भी दो लोगों को गिवअवे विनर बनाना है, एंड इन दोनों लोगों को मैं डायरेक्ट ही बोलना चाहूंगा जिसका नाम है करण एंड एक का नाम है राय स्टार, ये दोनों लोग डायरेक्ट ही आप मेरे को पर्सनल ही आप मेरे को ईमेल कर दीजिएगा mysksir@gmail.com में, एंड आप उसके बाद देखिए यहाँ पे गिवअवे विनर बन जाओगे। एंड आपको गूगल प्ले रिडीम कोड चाहिए 100 रुपीज के तो वो मिल जाएंगे, अगर आपको 100 रुपीज के पेटीएम कैश चाहिए तो मैं 100 रुपीज आपके डायरेक्ट ही आपके मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यह सब कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना कमेंट किया एंड आप लोग इतना हर टचिंग कमेंट लिखे जिसके कारण मेरे दिल को टच करे, एंड आप लोगों को गिवअवे विनर जरूर सेलेक्ट करूं। एंड मेंशनड आईडी कर दीजिएगा अपनी फ्री फायर या पबजी की, या आप अपने कुछ टेलीग्राम व्हाट्सएप या जो भी हो, टेलीग्राम का या फेसबुक का ट्विटर का जो भी आप लोग अपना इस्तेमाल करते हो उसकी आईडी अगर मेंशन कर देंगे तो मैं उनको भी यहाँ पे गिवअवे विनर बनाना अब शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब मैं 100 रुपीज़ का भी यहाँ पे गिवअवे विनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बंदे मातरम।